हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी ऑनलाइन सेवा में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली से पटना जाने। जो लोग भी पहला सफ़र अपना कर रहे हैं तो अपनी पूरी डिटेल इस वीडियो में देखिएगा। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। एयरपोर्ट पे जाते समय आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट, ये चीज़ें आवश्यक रहनी, इनमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए। इसके बिना आप फ्लाइट में एंट्री नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट बात कर लें। अगर आपके पास फ्लाइट टिकट है तो आप टिकट बुकिंग काउंटर से बोर्डिंग पास ले सकते हैं, जिस पे आपका PNR नंबर रहता है, जिसमें आपके कहाँ से आप कहाँ तक जाने वाले हैं वो रहता है, किस डेट में जाते हैं वो रहता है, और अन्य चीज़ें आपकी उसमें एंटर रहते हैं फ्लाइट टिकट में। बोर्डिंग पास लेने के बाद आप फ्लाइट तक जा सकते हैं। वहाँ आपका बोर्डिंग पास चेक किया जाएगा, जिसमें आपकी पूरी डिटेल रहेगी। बोर्डिंग पास का आधा हिस्सा आपको दे दिया जाएगा और आधा हिस्सा वो एयरपोर्ट पर रिसीव होगा। समय की बात कर ले तो समय की बात, दिल्ली से पटना जाने के लिए मिनिमम टाइम हमें 1 घंटा 15 मिनट लग सकता है, इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं क्योंकि आजकल फ्लाइटें थोड़ी सी लेट हो रही हैं। जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए आज की वीडियो में इतना ही।